नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो लाया हूँ, इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बताने वाला हूँ दो इलेक्ट्रिक रिक्शा के बारे में। अलग अलग इलेक्ट्रिक रिक्शा है, एक जो टोटो होता है हर शहर में चलता है, छोटे बड़े शहर में चलता है, और एक ठेला है। तो दोनों में कंपेयर करके आज का वीडियो होने वाला है। तो वही वीडियो आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं, कौन सा बेटर रहता है, किसका कीमत कितना होता है, उस बारे में आज का जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल में नए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। उसका जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आप लोगों को अब वीडियो को दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ठेला जो होता है और इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होता है, टोटो जिसको बोलते हैं, ये होता कैसा है। दरअसल हुआ क्या है, ये इलेक्ट्रिक जो ठेला बनता है, गो कार्ट जिसको बोलते हैं, तो उसी का स्ट्रक्चर लेके बिल्कुल सेम टू सेम जो टोटो होता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है, उसके मॉडल पे बनाया गया है। सेम टू सेम उसी को देखते हुए कॉपी करके बनाया गया है। तो दोनों में कंपेयर करके बताएंगे ये जो इलेक्ट्रिक ठेला होता है वो कितना का मिलता है और इलेक्ट्रिक जो रिक्शा है वो कितना मिलता है। तो चलिए आप लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वो इलेक्ट्रिक ठेला या फिर इलेक्ट्रिक गो कार्ट जो है उसको तैयार किया जा रहा है, उसको नट बोल्ट से कस दिया जा रहा है या फिर मोटर इसमें सेट किया जा रहा है। दो मिस्त्री इसमें काम कर रहे हैं, एक आदमी मोटर लगा रहा है, दूसरा आदमी बैटरी लगा रहा है, कनेक्शन दे रहे हैं। तो ये मोटर इसमें लगा हुआ है, देखिए किस तरह से लगा हुआ है, नज़दीक से दिखाते हैं। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको मोटर रखने के लिए, आगे पीछे जैसे हो सके। ये देखिए मोटर को आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं चेन को टाइट करने के लिए। चलते चलते अगर चेन आपका लूज हो जाए तो मोटर का नॉट खोल के उसको टाइट कर सकते हैं, थोड़ा आगे करके कस देंगे तो टाइट हो जाएगा। और ये इसका ब्रेक पुली है और एक डबल ब्रेक पुली इसमें लगा है। कई बाई चांस का अगर चलते चलते एक कट भी जाए तो दूसरा नहीं कटेगा, दूसरे से ब्रेक हो जाएगा, फिर बाद में बदल सकते हैं आप। और ये इसका चक्का है, देखिए इसमें जो है ये ठेला का चक्का रखा गया है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर ये सेम है। एक साइड का बैटरी इसमें लगा हुआ है, चार बैटरी ड्राई बैटरी लगा हुआ है। ये इसका पूरा कनेक्शन है, इसके आगे वाले वीडियो में डायग्राम दिए हैं, उसको देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है कैसे क्या कनेक्शन देना है, और वीडियो में भी कई बार दिखाया गया है, उसको देख देख के आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं, अपने घर में ही बना सकते हैं। इस तरह के एक छाया इलेक्ट्रिक ठेला बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना मजबूत इसका हर एक पार्ट जो है, बहुत मजबूत दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले सके। मोटर का लोड कैपेसिटी इसमें 7 क्विंटल तक है, इसलिए 7 क्विंटल माल इसमें आदमी ढो सकता है। इसलिए हर एक लोहा का पार्ट जो है मजबूत करके ही दिया जाता है। अब इसका कनेक्शन हो गया है, इसको अब देखिए अगला स्टेप में क्या बनाया गया है। ये देखिए इस तरह का लुक इसमें बनाया गया है, बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलता है हर एक छोटे बड़े शहर में, सेम टू सेम उसी मॉडल में इसको बनाया गया है। पीछे सकर दिया गया है, जार्किंग ना हो, सवारी इसमें बैठे तो जाकि जार्किंग ना हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक रिक्शा में होता है। इसका तिल्ली बहुत मोटा है, टायर भी हैवी है। ये देखिए इसका आगे का चक्का जो है बदल के ये लगाया गया है, मोटरसाइकिल का या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा का जो लगता है चक्का वो लगाया गया है। पहले इसमें दूसरा लगा था लेकिन अब
इसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा का चक्का लगा दिया गया है और इसका रेंज करीब करीब हम जानते हैं 60-65 हज़ार में बन जाता है और स्पीड में चलता है। जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है ये वाला जिसके हम बात कर रहे थे, ये जो रिक्शा होता है ये करीब करीब 1 लाख रुपये आप लोगों को पड़ जाता है, किसी का 1,40,000 भी पड़ता है। इससे स्पीड चलता है वो जो अभी इलेक्ट्रिक रिक्शा है, ये वाला जो है उससे ज़्यादा तेज़ चलता है, स्पीड में भागता है और कम खर्चा में बन जाता है। इसको देख देख के बनाया गया है ये वाला, देखिए सेम टू सेम लग रहा है, बल्कि खूबसूरत ही लग रहा है। आदमी शौक से इसमें बैठते हैं घूमने के लिए। तो दोनों में आप लोग कंपेयर करके देख पा रहे होंगे कौन बेटर लग रहा है। अगर किसी को इसका जो मोटर है मंगवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर जाके कॉल करके मुझसे मंगवा सकते हैं।